राम राम जी। सारा नोट ठीक हो? सारे उम्मीद सारे ठीक के होंगे। तो जी बीर में आज ये मेरा अगला दिन है और जितने भी दिन यहाँ गए हैं ना इतने बढ़िया गए हैं। आज मैं वापस जा रही हूँ हरियाणा अपने शहर रोहतक के लिए और सुबह का टाइम हो गया, 10:30 बज चुके हैं। ब्रेकफास्ट अपना ऑर्डर कर दिया है खा पी के और फिर निकल जाएंगे। पैकिंग चल रही है, अभी कैमरा बैग बस पैक होना रहता है, बाकी सारे बैग रेडी हो गए हैं। हाँ भाई, थैंक यू सो मच, मैं यही लगा दीजिए। ब्रेकफास्ट आ ही गया अपना। हाँ मैं खोल देती हूँ, देख तो लो। नहीं बहुत है ये खराब, वेस्ट थोड़े करना। क्या नाम है आपका? विशाल। कितने टाइम पुरानी है प्रॉपर्टी? ये अभी बनी है, जनवरी में ओपन हुई है 2021 में। ओके, जब भी मैं करूँ इतनी बढ़िया और इतनी एक नंबर की प्रॉपर्टी अपने में को तो एंड ही जमा वो प्रॉपर्टी मिले। तो आप स्टार्टिंग से ही यहीं पे हैं? नो नो नो, मैं फरवरी में आया था यहाँ पे। ओके ठीक, स्टार्टिंग में कोई और मैनेज करता था। ओके, उसके बाद से आप कर रहे हैं अभी? ओके, बहुत अच्छे से। मतलब हमें कुछ भी चाहिए होता था रात को लेट तक। और एक और चीज जो मेरे को यहाँ सबसे नई लगी है कि पांच साल से कम अगर एज का कोई भी बच्चा है तो उसके लिए दूध फ्री ऑफ कॉस्ट है, चाहे वो कितना मर्जी पिए। ये मैंने पहली बार देखा है यहाँ पे। और 8 साल के बच्चे का 50% फूड के लिए। अरे वाह, बहुत बढ़िया, ये चीज़ तो बढ़िया। तो देख लो, जो देख रहे हैं ना फैमिली वाले जिनका बच्चा 5 साल छोड़ लेके भाग जाओ, आ जाओ। थैंक यू। अब करते हैं ब्रेकफास्ट क्योंकि फिर निकलना भी सताए, पर्दे हटा ले, व्यू भी तो आना चाहिए ना ब्रेकफास्ट के साथ साथ। ब्रेकफास्ट अपना हो गया है और अब टाइम आ गया इस जगह को बाय बोलने का। मतलब जगह तो देखी जाए, जो ये रूम था ना इससे जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। यहाँ बैठ के अभी ब्रेकफास्ट किया था और व्यू देखो, डायरेक्ट इस विंडो के जरिए ब्रेकफास्ट है और ये सामने व्यू था। सही मन लगने वाली जगह थी और ये नीचे इनका पार्क है। ये वाला रूम था मेरा, वो उधर वाला वो, और ये राहुल सरिता का। सरिता रेडी चले इस अपनी एक्सेस पे, सॉरी जुपिटर पे और एक्सेस पे, इसी पे घूम रहे। रेंट कर लिया था पर डे 600 रुपीज ईच था। वैसे तो बाइक भी थी, बुलेट भी थी, हिमालयन भी थी। हिमालयन का प्लान था पर वो उसकी बैटरी चार्ज नहीं थी और किक से वो होती नहीं है, तो करके फिर हम लोगों ने यही डिसाइड किया कि ये दोनों लेते हैं। इतना मज़ा आया, अच्छे से एक्सप्लोर करने मिला। पहली बार ये था कि मैं पहाड़ों में ऐसे बाइक पे या स्कूटी कुछ भी लगा उस पर घूमने मिला, वरना हमेशा क्या होता था अपनी गाड़ी में आए घूमे फिरे, गाड़ी में बैठे और चल दिए। तो वो जो वाइब्स थी ना जो अब इन पे घूम के आई वो कभी फील ही नहीं की थी। अब यूँ लग रहा है एक्चुअल में इस बार एक्सप्लोर किया है चीज़ को। और अब निकलते क्योंकि 24 घंटे से ऊपर का टाइम इसको लिए हो गया है, इस वाली को भी। जैसे जैसे लेट होता चलेगा वैसे वैसे रेंट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि अपने को बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो अब चलते हैं। लेके जा रही है एक्सेस? हाँ। सना चलाएगी? इसका मन है कि इसको भी इसी पे जाना, गाड़ी पे नहीं जाना, तो वहां तक शॉप तक हम दोनों ये लेके चलते हैं। इधर एलेक्सा गाड़ी ले आई, हम राइड करते हैं। और ऑल्सो एक और चीज तो मैं बताना ही भूल गई, पहले बैग ले लेती हूँ। जो ये टॉप और ये डेनिम मैंने पहना है ये वही है जो मैंने लास्ट व्लॉग में जब मैं नाइट लाइफ एक्सप्लोर कर रही थी बिलिंग के उस वाले शॉप से जो शॉपिंग किया था ना, ये कॉम्बो वहीं से था। इतने सारे कपड़े लिए थे तो आज मैंने उन्हीं में से एक पहन लिया और अच्छा भी लग रहा है। अभी एक आईडी थी इनके पास, बस अब वो लेके और फिर चलते हैं। इस वाली हिमालयन का प्लान था पहले, यही वाली हिमालयन थी ना भैया वो, या पीछे वाली वो थी? अब होगी उसकी बैटरी चार्ज? आज बैटरी चार्ज है, कल हमें चाहिए थी ना जब नहीं थी, लेकिन आज तो हम वापस निकलने कोई फायदा नहीं है। शानो मन है चलने का वापस? नहीं, नहीं।, नहीं। यही रुक जाए, काश ऐसा हो पाता। तो ये जो व्यू है ना, लैंडिंग साइट है, सबसे बेस्ट व्यू यहाँ से आते हैं। मैं बाहर निकल गई सनरूफ से क्योंकि मजे लेना बनता है। तो लास्ट टाइम आए तो एक बार व्यू देख लो आप लोग। अभी रास्ते में ही हम आए हैं बैजनाथ टेम्पल,
काफी फेमस टेम्पल है यहाँ का, जो कि मेरे पीछे ये रहा। क्या लिया है शानो? और क्या लेना है? दर्शन हो गए वैजनाथ टेम्पल पे, अब चलते हैं। रुके एक जगह पे लंच करने के लिए, क्योंकि टाइम हो गया 3:40, 2:40, भूख लगी शानो? भूख लगी है। हाँ? सो के उठे इसके तो आँखें ही होती, खुलते ही हो, चलो खाना खाने के लिए उतर लो। तो लंच में आज है मिक्स वेज, दाल, येलो दाल मंगवाई है ये वाली, एक बूंदी रायता और रोटी। ये देख क्या है, ये क्या है, ये देखो और भी है यहाँ पे। चाय पिएगा शाने? तो अभी रुके टी ब्रेक के लिए, एलेक्सा को चाय पीनी थी, हमें तो नहीं पीनी, पीनी है चाय। साहिल जी के पास द हेयर आर्टिस्ट, आप लोगों ने वो वाला ब्लॉग देखा था जो ट्रांसफॉर्मेशन का मैंने दिखाया था, तो ये सब कुछ इन्होंने किया था, तो मेरे प्रोडक्ट्स मेरे लिए खत्म हो गए थे, तो लेने के लिए कहने में कोई यहीं आना था। सामान ले लिया, कहाँ रखा है मेरा शैम्पू और वो सब सामान? ला लिया, लगा लिया। साना दे दो प्लीज, साना पकड़े बैठी है, ये देख दिखाना है वो, मैं दिखा दूँ वीडियो में एक बार। मैंने लिया शैम्पू, कंडीशनर, सीरम, हेयर प्रोटेक्टर, क्योंकि मेरे को जो इन्होंने दिए थे वो खत्म हो चुके थे और वहां से मैं लेना नहीं चाहती, क्योंकि मैंने लिखा था ऐसी चीजों में डुप्लीकेसी बहुत होती है। मैं पहुंच चुकी हूँ घर पे, टाइम हो गया 2:12 सुबह के, सरिता और चले गए हैं, और अब इतनी बढ़िया नींद आ रही, क्योंकि सुबह 10-11 के आसपास चले थे, और फाइनली 2-3 दिन के बाद अब घर वापसी हो गए। तो आज जो घर पर नींद आएगी ना, वो तो देखो घर आके ही पूरी होती है, जो सही सुकून वाली नींद होती है। अभी मैं सो जाऊंगी, व्लॉग सुबह सुबह उठ के एडिट करूँगी 6-7 के आसपास। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, होपफुली आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा। एट द एंड हमेशा की तरह मौज लो, रोज लो, ना मिले तो खोज लो। बाय।